बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है SDS विद्यापीठ इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं AN वर्मा, SDS विद्यापीठ इलाहाबाद से। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 16 कमल शहर गया, यह अध्याय में कुछ बच्चों के आग्रह करने पर मैं यह पुनः पढ़ा रहा हूँ। कमल शहर गया। कमल नामक एक लड़का है जो गांव में रहता है और वह शहर अपने मामा जी के पास लखनऊ शहर में जाता है। वहाँ जाने के बाद वो क्या क्या लखनऊ में देखता है, उन्हीं सब का जिक्र इस अध्याय में किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। कमल एक गांव में रहता है। कमल एक गांव में रहता है, देहाती लड़का है गांव में रहने वाला। उसके पिताजी किसान हैं, यानी उसके पिताजी क्या हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी का काम करने वाले हैं। उसके मामा जी लखनऊ में रहते हैं और कमल के मामा जी कहाँ पे रहते हैं, लखनऊ सिटी शहर में रहते हैं। वह छुट्टी में अपने मामा जी के पास आया हुआ है। वह छुट्टी में, यानी उसके स्कूल का वैकेशन, छुट्टी का समय है, उस समय वह अपने मामा जी के पास आया हुआ है। एक दिन मामा जी उसे शहर दिखाने ले गए। एक दिन कमल के मामा जी कहाँ ले गए, शहर को दिखाने, सिटी को दिखाने ले गए। उनके घर से थोड़ी दूर पर ही एक चौराहा था, जहाँ पे वो रहते थे उस घर से थोड़ी ही दूरी पर एक चौराहा था। चौराहा किसे कहते हैं, जहाँ से चार रास्ते आते जाते हैं, क्रॉसिंग जिसे कहा जाता है। चौराहे पर मामा जी अचानक रुक गए, यानी चौराहे पर मामा जी अचानक एकदम तुरंत अचानक रुक गए। क्यों रुक गए, क्योंकि चौराहा होने के कारण मामा जी अचानक रुक गए। कमल, मामा जी आप रुक क्यों गए, यानी कमल ने पूछा कि मामा जी आप रुक क्यों गए। मामा जी बोले, बेटा अब हमें सड़क पार करनी है, यानी बेटा अब हमें सड़क पार करनी है, इस पार से उस पार जाना है। सड़क पार करने से पहले दाईं ओर देखना चाहिए कि कोई सवारी तो नहीं आ रही है, यानी कि सड़क पार करने से पहले अपने दाईं ओर देखना चाहिए कि कोई सवारी तो नहीं आ रही है। सवारी मीन्स होता है वाहन, कोई वाहन तो नहीं आ रही है। फिर आधी सड़क पार करने के बाद बाईं ओर देखना चाहिए, यानी आधी दाईं ओर और आधी बाईं ओर देखकर सड़क पार करनी चाहिए। कोई सवारी न आ रहा हो, अगर इतने समय में कोई सवारी नहीं आ रहा हो तभी सड़क पार करनी चाहिए। तो इस अगर कोई वाहन नहीं आ रहा है दाएं और बाएं और देखने के बाद, तब हमें सड़क पार करनी चाहिए। ये बात कमल के मामा जी ने कमल को बताया। फिर अपने मामा से कहता है, क्या कहता है, मामा जी सड़क पर ये काली सफ़ेद धारियां क्यों बनी हैं, यानी कहा मामा जी ये सड़क पर ये काली सफ़ेद धारियां क्यों बनी हुई हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे काली सफ़ेद धारियां क्यों ये बनी हुई हैं। मामा जी ने बताया, इसे जेब्रा लाइन कहते हैं, यानी किसे क्या कहते हैं, जेब्रा लाइन। यह पैदल चलने वालों के लिए है, यानी कि जो व्यक्ति पैदल क्रॉस करेगा रोड, ऐसे पैदल चलने वालों के लिए है। सड़क पार करते समय इसी पर चलना चाहिए। मामा जी ने कमल से कहा, यह जेब्रा लाइन है,
यह पैदल चलने वालों के लिए है। सड़क पार करते समय इसी पर चलना चाहिए। कमल ने कहा, मामा जी चौराहे पर यह लाल बत्ती क्यों जल रही है? यानी कमल ने अपने मामा से एक प्रश्न और पूछा कि चौराहे पर यह लाल बत्ती क्यों जल रही है। मामा जी ने कहा, ये बत्तियाँ हर चौराहे पर है। यानी कि ऐसी बत्तियाँ कहाँ पे है? हर चौराहे पर है। अभी जो लाल बत्ती जल रही है, जो इस समय अभी लाल बत्ती जल रही है, यह रुकने का संकेत है। यानी कि यह लाल बत्ती हमें रुकने ठहरने का संकेत इशारा करती है। देखो इधर की सभी सवारियां रुकी हुई हैं। यानी कि यह लाल बत्ती रुकने का संकेत करती है, इसलिए इधर की सभी सवारियां रुकी हुई हैं। अब देखो वह पीली बत्ती जल गई। यानी कि अब देखिए लाल के बाद पीली बत्ती जल गई। अब तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हरी बत्ती जलेगी, तब हम चौराहा पार करेंगे। और थोड़ी देर में जब हरी बत्ती जलेगी तब हम चौराहा पार करेंगे। किसने कहा? मामा जी ने कमल से कहा कि अभी लाल बत्ती जली हुई है, यह रुकने का संकेत देता है, इसलिए सभी सवारियां रुकी हुई हैं। अब देखो वह पीली बत्ती जल गई, अब तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हरी बत्ती जलेगी, तब हम चौराहा पार करेंगे। कमल ने कहा, मामा जी वह देखिए सामने हरी बत्ती जल गई। यानी कि मामा जी वह देखिए सामने हरी बत्ती जल गई। मामा जी ने कहा, हाँ चलो अब सड़क पार करते हैं। यानी कि हरी बत्ती जल गई, चलिए अब हम सड़क पार करते हैं। दोनों सड़क पार करके दूसरी तरफ चले गए। मामा जी और कमल दोनों लोगों ने मिलके सड़क पार करके दूसरी तरफ चले गए। मामा जी इन बत्तियों के बारे में शिखा ने एक कविता बना रखी है। मामा जी ने कहा, इन बत्तियों के बारे में, कौन सा बत्ती, लाल पीला हरे बत्तियों के बारे में शिखा ने एक कविता बना रखी है, तुम सुनोगे? यानी कि शिखा ने एक कविता बना रखी है, क्या तुम सुनोगे? मामा जी ने कमल से कहा। कमल, हाँ मामा जी, मामा जी तो सुनो। तो मामा जी ने कहा, लो सुनो वो कविता क्या है। लाल बत्ती कहे रुक रुक जा, क्या कहे? लाल बत्ती कहे रुक जा रुक जा, पीली बत्ती बोले तैयार हो जा। लाल बत्ती कहे रुक जा, पीली बत्ती बोले तैयार हो जा। हरी बत्ती कहे अब जा भाई जा, यानी हरी बत्ती कहे अब जा भाई जा। कमल, मामा जी यह तो बड़ी मज़ेदार कविता है। यानी कि कमल ने कहा, मामा जी यह तो बड़ी मज़ेदार मीन जिसमें मज़ा आए, ऐसी कविता है। मामा जी ने कहा, हाँ आओ अब चलें, ये बहुत मज़ेदार कविता है, आओ अब हम चलें। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चौराहे पे अगर आपको पैदल चलना है तो जीब्रा क्रॉसिंग के द्वारा ही क्रॉस करें, फुटपाथ पे ही चलें। और तीन रंगों की अगर कहीं लाइट दिखाई दे रही हो, लाल पीला और हरा, तो आप समझिए लाल हमें, लाल बत्ती अगर जले तो रुकने का संकेत देती है, पीली बत्ती जले तो रेडी यानी कि तैयार होने का संकेत देती है, और हरी बत्ती जब जले तो क्या, जाने का संकेत मिलता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा रिवीजन कक्षा 2 का हिंदी विषय। अगले दिन एक नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।